कई महीने लगातार सफाई करने के बाद सामाजिक संगठनों के द्वारा तमसा अभी भी साफ नहीं हो पाई। उसका केवल कारण यह है कि अभी तक प्रशासन ने इस पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं की इसके लिए, साफ और सुंदर रखने के लिए, और साथ ही साथ शहर के कूड़ा अभी भी इसके आसपास गिराया जा रहा है, जो कूड़ा नदी में बह कर रहा है, जिसकी वजह से तमसा मैली होती जा रही है। पौराणिक काल में इस तमसा का उल्लेख रामायण में मिलता है। ऐसा मान्यता है कि इसी तमसा के किनारे प्रभु श्री राम ने वनवास के कुछ क्षण बिताए थे, लेकिन राम की यह तमसा आज प्रशासन की उदासीनता के चलते अपना दम तोड़ रही है। आजमगढ़ से ईटीवी भारत के लिए प्रत्युष।